नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम एक युवा किसान के साथ में हैं। मैं 21 साल की उम्र है इनकी, इन्होंने बीकॉम फाइनल ईयर अभी इनका रनिंग है और इस समय में ये खेती कर रहे हैं मूली की। तो राजकुमार जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मुझे बताइए कि आपने मूली को क्यों चुना, मतलब मूली की खेती आप तो कुछ और लगा सकते थे, क्या खास है इसमें? मूली की खेती इसलिए मैं करना चाहता था क्योंकि इसमें पूंजी कम लगता है, बजट के अपने बजट के हिसाब से मैं मूली की खेती कम बजट लगता है। तो और खेतियों के बराबर, मतलब कोई भी दूसरी खेती करते तो इसमें से ज़्यादा पैसा लगता। आमदनी इसमें ठीक है? आमदनी ठीक है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। इस बार थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो गई और बारिश नहीं भी हुई। अच्छा, दोनों में नुकसान। हाँ, स्टार्टिंग में बारिश नहीं हुई और बाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो ये नहीं, मूली एक बहुत मेहनत का खेती है, ऐसा नहीं लगता आपको कि इसको पहले स्प्रे करो, दवाई डालो? स्टार्टिंग में तो नहीं लगता, लेकिन हाँ। जब इसको बोने की बारी आती है उस टाइम। हाँ, अभी इसको निकाल के धो करके हाँ। फिर बोरे में भर के ये सब पैक करना है। चलिए ज़्यादा हाँ, अभी क्या है, डिमांड भी है, लेकिन मूली का अगर देखें तो मांग है, रेट आगे पीछे हो सकता है। कितने एकड़ में लगाया आपने मूली? मूली तो हम लोग का है अभी 3 एकड़ आसपास। 3 एकड़ के आसपास में आपने मूली लगाया। हम लोग आपसे वैरायटी के बारे में अगर जानना चाहें तो आव्या, आव्या पालक पत्ती, आव्या का पालक पत्ती। इसमें दो पत्ती आते हैं ना, कुछ एक कटिंग वाला आता है। हाँ, कटिंग वाला। क्या पहचान है उसका? इसका जैसे पालक पत्ती में जो पालक भाजी है ना, उस टाइप से देखिए। अच्छा, इसके जो पत्ते हैं ये पालक पत्ती जैसा। हाँ, पालक जैसा है। और एक होता है जिसमें कटिंग होता है, दूसरा है। तो उसको आप लोग नहीं लगाते? उसको नहीं लगाए हैं, ज़्यादा मांग पालक पत्ती वाला का है। अच्छा, इसका राजकुमार जी, अगर हम लोग आपसे पूछना चाहें कि इसमें प्रति एकड़ का जो खर्च है वो कितना आया होगा आपको लगता है? वही 12-15 12-15 हज़ार के बीच में। और इसको एक बार स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे हम लोग खेत तैयार करें और इसको लगाने का सही समय कब? लगाने जैसे इसको अभी हो रहा है हम लोग का 40-45 दिन निंदाई चालू है। अभी इसमें हार्वेस्टिंग चालू है? हाँ, हार्वेस्टिंग चालू है। अभी ये चलेगा, मान लीजिए 60 दिन लग जाएगा। यानी कि 2 महीने की खेती है? 2 महीने की खेती है, 40 दिन तक तैयार होने में लगता है और 20 दिन समथिंग निंदाई। पूरे एक साथ नहीं तैयार होते? हाँ, पूरे जैसे जैसे आप खेत खाली करेंगे जैसे जैसे निंदाई होते जाता है तैयार होते जाता है छोटा बीज। हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि स्टार्टिंग कैसे करें। जैसे हमारा ये खेत है, अभी सबसे पहले इसको जुताई करना है? जुताई करना है। फिर क्या डालेंगे आप, क्या क्या खाद यूज़ कीजिए? जुताई फर्स्ट टाइम में तो 2-3 बार जुताई करना पड़ता है। मिट्टी जितना नरम होगा, जितना नरम होगा उतना ही ज़्यादा फ्रेश कांद जो है उसके क्या बोलते हैं, मूली उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में 2-3-4 बार जुताई किए थे। अच्छा, उसके बाद पूरे घास मरने के बाद बीज डाले थे। तो खाद वाद क्या डाले? खाद डाले थे इसमें, राखर डाले थे और यूरिया, ये मिक्स करके यूरिया। हाँ, मिक्स करके। और बीज को अपने छिड़क के लगाया? छिड़क के लगाया। लगभग 1 एकड़ में कितना बीज लगता होगा? 1 एकड़ में 2.5 kg। ये तैयार हो गया है? तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको यहाँ से ले जा करके फिर धोएंगे, फिर ये बोरी में पैक होगा। बोरी में पैक होने के बाद थोक व्यापारी आते हैं, यहीं से माल उठा के ले जाते हैं। एक आध और दिखाइए, अगर जैसे आपको आइडिया होगा ना कि कौन सा तैयार हो गया है। ये सब तैयार हो गए हैं समूली जी। ये सब तैयार हो गए हैं जी। हम लोग एक बार दिखाइए ना कैसे धोते हैं इसको, वहाँ चलिए। कुमार जी, हम लोग देख रहे हैं कुछ महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, जो उसमें कुछ छटाई का काम कर रही हैं। तो वो क्या है एक बार मुझे बताइए। कीड़े लोग काट दिए हैं पत्ते को। हाँ, इसको फ्रेश किया जा रहा है, अच्छे अच्छे पत्ते को रखा जा रहा है, बाकी जितने भी कीड़े काटे हुए हैं सबको छटाई किया जा रहा है। जो भी पत्ता खराब हुआ है हाँ, उसको निकाल दे रहे हैं। उसके बाद जो जड़ है हाँ, हल्का फुल्का निकला हुआ उसको भी तोड़ा जाता है। जैसे इसमें कोई जड़ निकला है सब उसको भी तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो कटा फटा
जो पत्ता है उसको पूरा निकाल दिया जाता है। और हमने देखा अभी एकदम बिल्कुल वाइट मूली आ रहा था कहीं से, वो कैसे खेत से आप निकाले? तोड़ने के बाद वहाँ ले जाया जाता है। ये आप ले जाएंगे इस पानी वाले जगह पे? हाँ, उसके बाद धुलाई करके वहाँ से फिर इसको धोएंगे, है ना? हाँ, धोने के बाद ये देखिए, अभी इधर आइए, देखा तो ये देखिए तैयार हो गया। अब इसको पैक करके बेचा जाता है और यहीं से लेकर के जाएंगे आपके पास। राजकुमार भाई, मुझे एक जानकारी और दे दीजिए कि अभी इसका रेट क्या जा रहा होगा? रेट अभी जा रहा है वही 4-5 रुपए के जी। ये ठीक है, कम है? नहीं, ये इसमें लॉस हो रहा है। अरे, इसमें नुकसान हुआ, इसका लागत ही उतना? लागत ही उतना है। और मान लीजिए अभी धोने वाले ले लेते हैं 1.5 रुपए प्रति किलो। अच्छा, धोने वाले, धोने का खर्च है? धोने का खर्च है 2 रुपए खर्च लग जाता है, प्लस बीज खाद। कम से कम 10 रुपए के जी जाएगा तो फिर प्रॉफिट होगा। 10 रुपए किलो रहेगा तो आपको कुछ का फायदा। आजकल महंगाई का जमाना हो गया, खाद बीज बहुत महंगे हो गए। अभी इसको लगाने का सही समय क्या है? सही समय अभी देखिए, अभी अगर करेंगे खेती तो साधन अगर पानी का है तो अच्छा रेट में जाएगा। मतलब अभी अगर आप दोबारा लगाएंगे तो पानी अगर साधन है तो अच्छा, अगर बोरवेल वगैरह है बोरवेल तो आपको रेट मिलेगा। सही समय एक्चुअली में क्या है इसका लगाने का? आपने जैसे आज से 40 दिन पहले लगाया तो लगभग अगस्त में आपने लगाया? अगस्त में लगाया, स्टार्टिंग अगस्त में। अगस्त तो वो सही समय है या अभी लगाना सही रहेगा? अभी लगाएंगे तो सही रहेगा, अगर रेट रेट आप फिर से लगाएंगे? अभी लगाएंगे लेकिन वही साधन कम है ना, तो कम में लगाएंगे। हम लोग एक बार देखेंगे कैसे इसकी धुलाई हो रही है, यानी कि जो मूली है उसको खेत से ला करके पहले से धोया जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है। तो हम लोग एक बार जा रहे हैं जहाँ पानी है, वहाँ देखेंगे इसको जो धुल रहा है वहाँ। राजकुमार जी हमें पूरा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हम लोग बने हुए हैं इनके साथ में अभी आगे। हम लोग देख रहे हैं जैसे खेत से लेकर के आए, अब इसको यहाँ धुलाई हो रही है इसकी, धुलाई हो रही है, उसके बाद इसको ऊपर चढ़ाएंगे। हाँ, जैसे हम लोग देखे सफ़ेद एकदम बिल्कुल फ्रेश मूली। धुलने से पहले ये है? हाँ, ये है ऐसा जो फ्रेश पत्ते आए हैं वहाँ से सटीन होके। हाँ, पहले इसकी छटाई हुई और वो ये रखा गया है और इसके बाद में ये तैयार हो गया। अब ये पैकिंग करेंगे आप लोग? करेंगे बाद, उसके बाद और ये व्यापारी आके ले जाएंगे। आपसे हमको जो जानकारी मिली, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी जानकारी थी। बहुत कम लागत में एक अच्छी खेती है, क्या सलाह देंगे? मूली की खेती करनी चाहिए? जैसे आपने बताया अभी रेट कम है। करनी चाहिए, जैसे फिक्स रहता नहीं रेट का, कभी बढ़ता है कभी चढ़ता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए। कभी ना कभी तो अच्छा पैसा फंस जाएगा। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा? नहीं, लॉस नहीं होता है। मतलब ऐसा है कि 2 रुपए आपकी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगी लेकिन लॉस भी नहीं होता है। लॉस नहीं होता है। हाँ, ये जैसे ढाबा में प्याज का डिमांड बढ़ जाए या खीरा का, तो फिर मूली का भी? इस बार प्याज का रेट नहीं बढ़ा। प्याज का रेट अगर बढ़ता तो मूली का भी रेट ऑलरेडी बढ़ जाता जी। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में वीडियो करके। और जो भी युवा देख रहे हैं, जो कम उम्र के लोग हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे युवा किसान बहुत कम मिलते हैं हमें, एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं ये, अपने साथ में खेती भी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो यहाँ तक देखा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।